ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे ना ही मैं आपको धनवान बनाने के लिए आया हूँ और ना ही आप सबकी डेली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ। अर्थात मैं कोई भी तरह का क्षणभंगुर सुख नहीं देता जिसके पीछे आप द्वापर से भागते आए हो, और वैसे भी यह सब तो भक्ति मार्ग में भी प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान की प्रार्थना याचना करने से मिल जाता है। बच्चे मैं तो आप बच्चों को आपकी स्वस्थिति की सीट पर सेट कराने के लिए आया हूँ, अर्थात आपको आपका ही मालिक बनाने आया हूँ, अर्थात विस्मृत आत्मा को स्मृति दिलाने आया हूँ, अर्थात आपके पुराने विकारी संस्कारों का संस्कार करा, आपको शुद्ध और पावन बना स्वस्थिति के आसन पर सेट कर देता हूँ, जिससे आपकी संपन्नता को जो आप में ही है वो बाहर आ जाती है और आप स्थूल में संपन्न बन जाते हो, अर्थात संपूर्ण देवता बन जाते हो, अर्थात सभी को सूक्ष्म और स्थूल संपन्नता देने वाले, अर्थात पूजनीय आत्मा जिनका आप सब गायन पूजन करते आए हो। जैसे एक राजा की कहानी बनाई है कि जिसमें भिखारी राजा से भीख मांगने आता है और राजा को भगवान से मांगता हुआ देखता है, अर्थात भगवान से मांगने वाले को देवता नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.